डिमोशन ड्राइव है या फौरन बंद की जाए मेरे यहाँ सर टीवी तो फौरन बंद की जाए और वन सेकंड वेट करो ना यू प्लीज प्लीज बी दो मिनट हो जाए नो ऑलरेडी इट इज 6 एक मिनट भाई बैठिए ना एक सेकंड जनाब आजकल जम्मू कश्मीर में बिलडोजर राज चल रहा है जनाब हर सुबह कई एक बिलडोजर हर बस्ती में जाते हैं और बस्ती में तजावजात खत्म करने के नाम पर छोटी छोटे गरीब घरों को बिस्मार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात उसकी जिक्र की है सदर जमहूरिया ने। अब जनाब 5 अगस्त 2019 को आईन को रोंद कर आईन को दरकिनार करके जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन खत्म की गई और फिर आईन को नजरअंदाज करके उसके दो हिस्से किए गए और आज तक यह मुल्क जो कह रहा है कि हम जी ये सबसे बड़ी जमहूरत है 8 साल से कोई इलेक्शन नहीं कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं एक ब्यूरोक्रेसी है और ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही चला रही है एक स्टेट को। तो जनाब क्या कारण है इस शुक्रिया की तहरीक में शामिल होने का। तो जनाब आजकल आप आज की बात देखिए अब उस दिन क्या हुआ 16,000 लोगों को जेल दिया गिरफ्तार किया गया और आज भी कई एक नौजवान है जो रायबरेली में अम्बेडकर नगर में आगरा के जिलों में कश्मीर से आए हुए और मजहबी रहनुमा है वो दुर्शी दाऊदी हूँ या मौलाना वीरी हूँ ऐसे कई एक जो मजहबी रहनुमा है वो जेलों में है 300, 400, 500 किलोमीटर दूर। अब जनाब आजकल नई बात हुई है आजकल जम्मू कश्मीर में बिलडोजर राज चल रहा है जनाब हर सुबह कई एक बिलडोजर हर बस्ती में जाते हैं और बस्ती में तजावजात खत्म करने के नाम पर छोटी छोटे गरीब घरों को बिस्मार कर रहे हैं। अब जनाब माजूर नगर हो पातशाही बाग हो जनाब उसन हो जनाब अभी जो कठवा वाली बस्ती हो तो जनाब हर जगह आज एक बुलडोजर राज और ऐसा लगता है कि जैसे ये भारत का हिस्सा नहीं है ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर जैसे हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि ये कहीं पर वेस्ट बंगाल या कहीं और मुल्क कोई है जहां पर ये प्रोग्राम चला रहे जा रहे हैं। जनाब जो हमारा मुल्क है वो रूल ऑफ लॉ यहां पर है यहां पर कानून की अमलदारी है कानून की कोई अमलदारी ही नहीं। अब जनाब दिल्ली में हमने इसी सरकार ने 1700 बस्तियां रेगुलराइज की और वहां पर घर के घर मुस्मार किया जा रहे हैं इस नाम पर कि ये जी सरकारी जमीन में 5-2000 फुट की 1000 फुट की 1200 फुट की जमीन पर तो जनाब सरकार ने खुद बिठाए और सरकार ने बिठाए थे मुख्तलिफ स्कीम्स के तहत। अब जनाब यहाँ पर बॉम्बे हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है आबादी नसब बॉम्बे जनाब सरकारी जमीन पर है गुजरात 35% सरकारी जमीन पर है लेकिन जम्मू कश्मीर के अलग से एक कानून है जम्मू कश्मीर को माना नहीं जाता कि जो मुल्क का हिस्सा है वहां पर जम्मू कश्मीर में एक अफसरशाही से एक बिल्कुल एक ऐसे जुल्म सितम है जो जुल्म सितम का कोई भरोसा कोई हिसाब ही नहीं है। अब जनाब नहीं कोई नोटिस है नहीं उनको अपना पक्ष रखने की कोई मौका दिया जाता है तो जनाब ये नई एक होगी। अब जनाब आप ये कह रहे हैं कि वहाँ सब नॉर्मल है अभी देखे इसी जनवरी में जनाब पहले जनवरी के पहले दिन ही जनाब कितना एक राजौरी में कितना एक हमला हुआ और कितने सिविलियंस हुए उसके अलावा जनाब ये पिछले जब से 2019 का मामला हुआ जनाब तकरीबन 600 के करीब आर्मड जो है वो कन्फ्रंटेशन हो गई और आर्मड जो है वो आपस में जो गोलाबारी हुई और जनाब 600 से ज़्यादा जो सिविलियंस है वो मारे गए और जनाब तकरीबन उसका नसब जो सिक्योरिटी फोर्स है वो अपनी जान से हाथ को तो ये मामला थे महज एक आप 40 या 30 आप करेंगे कल्चरल इवेंट्स 30 स्पोर्ट्स इवेंट्स उससे नॉर्मल सी होती नहीं अगर नॉर्मल सी होती तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं किए जा रहे हैं। तो 1.25 करोड़ लोगों को क्यों आप महरूम कर रहे हैं 1.25 करोड़ लोगों को क्यों महरूम कर रहे हैं कि उनका जो हक है आप कह रहे हैं डांस ऑफ डेमोक्रेसी आप कहें ये जमहूरियत का नाच है तो अगर सारे मुल्क के लिए जमहूरियत है तो वहाँ जम्मू कश्मीर के लिए आप जमहूरियत को क्यों नकार रहे हैं और जमहूरियत के जम्मू कश्मीर के लिए आप नई एक पॉलिसी की है जिस पॉलिसी से वो आती है कि एक कम्युनिटी को बांटा जा रहा है एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है एक खास रीजन को टारगेट किया जा रहा है जनाब इसके असरात मुल्क के लिए ठीक नहीं है। जब तक कि आप जनाब इसको रिवर्स नहीं करेंगे जनाब मुल्क के लिए यह ठीक नहीं होंगे जनाब 1.25 करोड़ की आबादी में आप डेमोक्रेसी का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं जहां पर 1 करोड़ के करीब आबादी एक कम्युनिटी से हो तो जनाब ये सारा मामला है। तो इस मामले में जनाब आप जनाब देखिए तरक्की की बात जो सब अब
आप जनाब इस साल 66% PMAY में जब प्लीज जब इस नॉट यील्डिंग जब आज वो यील्ड नहीं कर रहे आप बैठे जब आज बैठे नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट मसूदी जी आज जनाब आज की तारीख में जनाब इस साल के बजट जब इस साल के बजट में 66% ज्यादा हो गई बढ़ोतरी हो गई PMAY में एक करोड़ घर बनाने का प्रोग्राम है जब अभी हैदराबाद से जब ये कैसी बात है कि जहां प्राइम मिनिस्टर वादा कर रहे हैं कि हर सर पर एक छत हो और वहां पर जो छत मौजूद है उस छत गिराई जा रही है ये कैसा अंतर है जब अभी हैदराबाद में हमने देखा एक लाख घर बनाए एक मिनट एक मिनट दो दो रूम के फ्लैट पर जो गरीबों को बगैर किसी कंट्रीब्यूशन के दिए जाएंगे हैदराबाद में आप कंट्रोल करो जो सर मौजूद है वो सर विदुरी जी बैठे प्लीज यहाँ पर जो छत मौजूद है वो छत गिराए जा रहे हैं जब बात यह है छत तो जनाब अब जो तरक्की की बात है 50% कम लोगों को दो मिनट हो जाए नो ऑलरेडी इट इज सिक्स एक मिनट एक सेकंड जनाब मेरा मुतालबा होगा प्लीज ये जो डिमोलिशन ड्राइव है ये फौरन बंद की जाए मेरे यहाँ सर टीवी नो तो फौरन बंद की जाए और वन सेकंड वेट करो ना यू प्लीज प्लीज प्लीज